अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। अभी हाल ही में न्यूज आया था कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन से खरीदा है। आखिर कौन है ये वॉलमार्ट के फाउंडर? इस वीडियो में वॉलमार्ट के सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वॉलमार्ट एक अमेरिकी मल्टीनेशनल खुदरा निगम है जो हाइपरमार्केट, डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर्स और किराने की दुकानों की एक श्रृंखला संचालित करता है। सैमुअल मूर वॉल्टन एक अमेरिकी व्यापारी और उद्यमी थे जो खुदरा विक्रेता वॉलमार्ट और सैम क्लब की स्थापना के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते थे। वॉलमार्ट स्टोर इंक रेवेन्यू के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट एम्प्लॉयर द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा निगम बन गया। अपने जीवन में एक दिन वो अमेरिका में सबसे अमीर आदमी थे। सैम वॉल्टन का जन्म 29 मार्च 1918 को किंगफिशर ओकलाहोमा में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस गिब्सन वॉल्टन है और उनके माता का नाम नैन्सी ली है। वो 1923 तक अपने माता पिता के साथ अपने खेत में वहाँ रहते थे। हालांकि खेती ने परिवार को बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दिया और थॉमस वॉल्टन खेत बंधक में गए। उन्होंने अपने भाई की वॉल्टन बंधक कंपनी के लिए काम किए जो मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक एजेंट था, जहां उन्होंने बंधक को नहीं चुकाने के कारण खेती को बेच दिए। आखिरकार उनके परिवार कोलंबिया मिसौरी चले गए। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बढ़ते हुए उन्होंने उस समय आमतौर पर अपने परिवार के लिए वित्तीय समापन को पूरा करने में मदद करने के लिए काम किए। उन्होंने पारिवारिक गाय के दूध का कारोबार किया और इसे ग्राहकों तक पहुंचा करते थे। इसके बाद वो पेपर रूट पर कोलंबिया डेली ट्रिब्यून समाचार पत्रों को बेचते थे। इसके अलावा उन्होंने पत्रिका सदस्यता बेचते थे। कोलंबिया में डेविड एच हिकमैन हाई स्कूल से पढ़ाई किए थे, जहां उन्हें सर्वाधिक बहुमुखी लड़का चुना गया था। हाई स्कूल के बाद वॉल्टन ने अपने परिवार का समर्थन करने में मदद करने के लिए एक बेहतर तरीका खोजने की उम्मीद करते हुए कॉलेज में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय में ROTC कैडेट के रूप में भाग लिया। इस समय के दौरान उन्होंने विभिन्न अजीब नौकरियों का काम किया, जैसे भोजन को बदलने के लिए एक वेटर के रूप में काम किया। अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री के साथ 1940 में स्नातक होने के बाद उन्हें कक्षा के स्थायी अध्यक्ष के लिए वोट दिया गया था। 1942 में 24 साल की उम्र में वॉल्टन अमेरिकी सेना खुफिया कोर्स में सेना में शामिल हो गए। विमान और युद्ध शिविरों के कैदी में सुरक्षा की निगरानी किए। इस स्थिति में उन्होंने सॉल्ट लेक सिटी यूटा में फोर्ट डोगलस में सेवा की। वो अंततः कप्तान के पद पर पहुंचे। उन्होंने 1943 में हेलेन रॉब्सन के साथ विवाह किए। उनके चार बच्चे हैं, एस रॉब्सन वॉल्टन, जॉन टी वॉल्टन, जिम वॉल्टन और एलिस वॉल्टन। जब उनकी सैन्य सेवा 1945 में समाप्त हुई, सैम और हेलेन आईवा और फिर न्यूपोर्ट आर्कांसास चले गए। इस समय के दौरान सैम ने अपने खुद के विविध स्टोर का संचालन करते हुए शुरुआती खुदरा अनुभव प्राप्त किए। 1950 में वॉल्टन ने बेंटनविल के लिए न्यूपोर्ट छोड़े, जहां सैम ने शहर के बार पर वॉल्टन के 510 खोले। उन्होंने बेंटनविल चुने क्योंकि हेलेन छोटे शहर में रहना चाहते थे। सैम ने 1962 में रोजर्स आर्कांसास में 44 साल की उम्र में पहली वॉलमार्ट खोले। कंपनी की सफलता सैम की उम्मीदों से भी अधिक हो गई। कंपनी 1970 में सार्वजनिक हो गई। सैम ने वॉलमार्ट की तीव्र वृद्धि के लिए उन्होंने न केवल कम दाम पर श्रेय दिए जो उनके ग्राहकों को आकर्षित करते थे, बल्कि उनके सहयोगियों को भी आकर्षित करते थे। मैं इस वीडियो का दूसरा भाग मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।